Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another gameplay video. तो guys, आज हम लोग एक new horror game खेलने जा रहे हैं. But wait, ये एक new नहीं, बहुत पुराना horror game है. और इस game का नाम है Hello Neighbor. इस game के ना हर एक video में comment रहता है कि भाई ये वाला game try करो, ये जरूर खेलो, हालत खराब हो जाएगी आपकी. मैंने कहा यार इतना ज़्यादा तो horror नहीं हुआ, cartoon जैसे graphics है. But हाँ, जरूरी नहीं होता है हॉरर गेम में कार्टून वाले ग्राफिक्स भी डरा देते हैं. तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं. ऑल राइट गाइस, वेलकम टू द हेलो नेबर. फिलहाल सामने एक बोल पड़ा हुआ है सड़क पे और काफी ज्यादा सुनसान सा माहौल है. और ये कोई बच्चा है जो कि शायद से उस बोल को किक करने के लिए भागता हुआ आ रहा है. बट हाँ, इन सब हॉरर गेम में ना ये सब कुछ समझना बहुत जरूरी है, तो मैं इसे स्किप नहीं करने वाला. फिलहाल इसने इसको शूट कर दिया और ये बच्चा कोई और नहीं, ये मैं ही हूँ. और मैं ही इस बॉल को शूट करके अब वापस से इसके पीछे भागता हुआ जा रहा हूँ दोबारा से शूट करने के लिए उसे. यार ये कोई खेलने का तरीका है, बीच सड़क में कल को गाड़ी वाड़ी आ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो भाई आप लोग कभी मत खेलना ऐसे बीच सड़क पे. फिलहाल अभी ये जो बॉल है ये वापस से हम लोग इससे खेलने वाले हैं. और हम लोग इस बॉल को ऐसे जंप कराना चाह रहे थे. वेट वेट, अभी मुझे किसी बच्चे के चिल्लाने की आवाज आई शायद सामने वाले घर से. वहां पर कुछ तो पक्का बहुत गड़बड़ चल रहा है. ओ, ये अंकल हैं जो कि शायद किसी बच्चे को पीट रहे हैं. वो उन्होंने क्या मुझे देख लिया, मेरे को पता नहीं, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है. और इस टाइम हम लोग उनके घर के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं ये पता करने के लिए कि आखिर ये अंकल किस बच्चे को पीट रहे हैं. तो भी हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं और इन्होंने उस बच्चे को इस गेट में बंद कर दिया और वो बहुत जोरों से चिल्ला रहा है. यहाँ पर ताला लगा दे और अंकल भी थोड़ा बहुत परेशान से दिख रहे हैं. वो मुझे देख लिया क्या? अबे उतरी भाई, इन अंकल ने मुझे देख लिया और अब तो प्रॉपर लॉक कर दिया है. और जो ताला मारा है उस रूम में उसकी चाबी एक ब्लू कलर के टेबल पे रखी है जो कि है ये वाला रूम. ओके ओके ओके, मैं कुछ समझा. हमें इस चाबी को लेना है और उस ताले को खोल के उस बच्चे को यहाँ से एस्केप करवाना है. ओ भाई, अंकल मेरे को सामने वाले घर में नजर आ रहे हैं. पीछे वाली साइड पे ये एक और घर है. क्या ये हमारा घर है? हाँ, ये हमारे नेवर है ना, ये वाला घर हमारा है. कितना प्यारा सा घर है. बट हाँ, मुझे अभी अपने घर से मतलब नहीं रखना, मुझे उन अंकल के घर में जाना है और उस बच्चे को वहाँ से एस्केप करवा के भागना है, यहाँ से निकलना है. बाकी ये अंकल की गाड़ी है. वो भाई खिड़की से कूद के, मैं जा रहा हूँ भाई, मैं अपने घर में जा रहा हूँ. ये बड़ा शैतान है भाई. अरे बंद कर, मेरे घर में बताइए बहुत मारूंगा. मेरे घर में विंडो है क्या? हाँ, मैं यहाँ से देख सकता हूँ. वो देखो अंकल वापस चले गए. भाई ये कितना अजीब बंदा है, जाने दो इसे. मुझे एक बार ही ना दोबारा यहाँ से बाहर निकलना चाहिए. शुक्र है कि ये पहला एक हॉरर गेम मिला जो कि दिन का है, दोपहर का, वरना तो रात वाले तो भाई अलग ही डरावने से होते हैं. बाकी यहाँ पर इसकी एक गाड़ी खड़ी है जो कि इसने बहुत बुरी तरह इस फेंस पे लाके ठोकी हुई है. और इसकी गाड़ी मैंने ओपन कर लिया. बट हाँ, गाड़ी में कुछ ऐसा खास है नहीं. पीछे यहाँ पर इसका नहीं, बूट भी इसकी ओपन नहीं हो रही है. खैर अभी मेरे को इससे मतलब नहीं है, मुझे ऊपर वाले रूम में जाना है. ऊपर वाले रूम में जाने के लिए मुझे सीढ़ियाँ ढूंढनी होगी. गेट ओपन करूँ क्या? ओह वाओ, स्वीटली एकदम गेट ओपन हो गया है. और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ना शायद से वो अंकल के ना खर्राटे लेने की आवाज़ आ रही है. एक बार जाऊँ क्या? सो रहा है क्या? ओह वो सो रहा है. कि हमारी ना स्पीड बहुत ज़्यादा है इससे, क्योंकि वो बेचारे उनकी उम्र हो गई है और अभी हम छोटे से बच्चे हैं, तो बहुत तेज़ वहाँ से भाग के निकल जाते हैं. यार वो सब छोड़ो, मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी तो मैं इसके पास भी नहीं जा पा रहा हूँ, मैं इसके घर के ऊपर वाले रूम में कैसे जाऊँगा? मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा है. एक बार ये बैक साइड में चलूँ, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ना इन सब घरों में बैक साइड में भी कुछ ना कुछ होता है. ये देखो, मैंने कहा था ना बैक साइड में गाइस ऊपर जाने के लिए एक सीढ़ी है, बट यहाँ पर ना एक नट लगा हुआ है. ये अगर सीढ़ी पे मैं चढ़ जाऊँ तो शायद से मैं वो रूम में एंटर हो सकता हूँ. बट ये नट कैसे ओपन होगा मेरे को ये देखना है. कि ये अंकल के घर में एंटर होने का पीछे वाला रास्ता है, यहाँ से मैं अंदर आ चुका हूँ. चुपचाप आगे बढ़ते हैं. अंकल है तो नहीं ना अंदर, प्लीज़. ये वाला गेट यार, इसमें एक ताला लगा हुआ है यार, सिल्वर कलर का, पता नहीं कैसे ओपन होने वाला है. फिलहाल अभी वो वाला रूम कौन सा था जिसके अंदर इन्होंने उस बच्चे को बंद करा है? ओ मैं सेफ हूँ, यहाँ पर कोई भी नहीं है. और यही है गाइस वाला रूम की, देखो ये रेड वाला लॉक है, ये ऐसे ओपन नहीं होने वाला. इसी चुप हो भाई, सब कितना शोर आ रहा है. मुझे ऐसे लग रहा है अंकल टॉयलेट में है. वो भाई वो वही था, मैं मर गया भाई. नहीं यार पकड़ लिया, शुक्र है इतना टॉर्चर नहीं करता पकड़ने के बाद. वापस अपना गेम कंटिन्यू हो जाता है अपने घर से. अभी वो देखो, मैं यहाँ से उसे देख सकता हूँ. क्या मैं ये सब चीज़ें उठा सकता हूँ? ओ नाइस, ये ले पड़ी उसके मुंह पे
भाई अभी मेरे को इसका थोड़ा सा तोड़ पता चल गया है। ये जगह है, क्या मैं इसके थ्रू ऊपर चढ़ सकता हूँ? अभी शायद से वो मेरे पास नहीं है, मैं एक बारी ना यहाँ से छत पे जाने का ट्राई करता हूँ, और यही शायद से सही रास्ता है ऊपर जाने का। भाई मैं अगर यहाँ पर, ओ भाई इस टाइम पर हम लोग माइनक्राफ्ट खेलने जा रहे हैं, कुछ इसी तरीके से हम लोग माइनक्राफ्ट में भी ब्लॉक लगा लगा कर क्लाइम करते हैं, और मैंने यहाँ पे भी मस्त तरीके से क्लाइम करके ऊपर चढ़ गया हूँ, और अभी अभी यहाँ पर अंदर जाने का कोई मेरे को रास्ता नजर नहीं आ रहा है। और क्या अंकल ऊपर तो नहीं आ रहे? वो उसको चीज पता लग गई है। अभी मैं सेफली बाहर आ चुका हूँ और अपना गेम वापस वहीं से कंटिन्यू हो गया है, क्योंकि वो देखो जो बॉक्सेस मैंने रखे थे ना वो अभी भी ऊपर पड़े हैं। मैं दोबारा से एक बारी ऊपर जाने का ट्राई करता हूँ, बट इस बारी अंकल की नजरों से बच के, यार बड़ा ही तेज बंदा है वो, चुपचाप मैं आराम से चढ़ता हूँ। इस डब्बे को उठा के मैं जाने वाला हूँ यहाँ से आगे, और वाओ इतनी ऊंची जंप मारी कि सीधा नीचे ही आके गिर गया। दोबारा ट्राई करते हैं ऊपर जाने का, बहुत इजी है, जल्दी करना होगा थोड़ा वरना मेरे सबसे अंकल आते ही होंगे यहाँ पर। अभी दोबारा से चढ़ा, ये वाला रखा बॉक्स यहाँ पे, फिर इसके ऊपर आके वाला बॉक्स रखा यहाँ पे, और अभी मेरे को मारना है इधर जंप, और ये वाला बॉक्स ना उठाना थोड़ा सा जरूरी है, क्योंकि ये वाली जो जगह है ना गाइस, इस खिड़की को मैं तोड़ने वाला हूँ इस बॉक्स से, लेट्स गो। ये थी भाई अपनी पहली सक्सेस, आप लोग कह सकते हो। मैं ऊपर वाले फ्लोर पे आ चुका हूँ, और ये रही सीढ़ियाँ नीचे जाने की। वाओ तभी कहूं कि इस घर की सीढ़ियाँ मुझे मिल क्यों नहीं रही है? इसने घर की जो सीढ़ियों के एंट्रेंस है ना वहाँ पे दीवार बनवा दी है जो कि ओपन ही नहीं होती है। ये काफ़ी ज़्यादा गलत बंदा है। फिलहाल ये वाले रूम में मेरे को शायद, हाँ जो की हमें मिलनी थी ना वो आगे वाले रूम में, और यहाँ पर क्या मैं इस गेट को ओपन कर सकता हूँ? नहीं, पर कुछ तो एक लीवर लगा हुआ है, जिस लीवर की जो वायर है वो यहाँ से होती हुई जा रही है इस फैन में, बट मुझे कुछ मालूम नहीं आखिर ये फैन जाता कहाँ है। यहाँ पर कुछ बॉक्स, मैं ये वाली विंडो ओपन कर दूँ क्या? एक सेकंड रुको, उसको फेंक के मारता हूँ। चल तेरी वाली विंडो ओपन होगी क्या? मैं ये वाले गेट को नहीं, ऊपर कुछ है पे। ओ भाई ये पेंटिंग के आर पार जाने का रास्ता था, यहाँ पर गड्ढा हो रखा है जिसके थ्रू मैं कूद के अभी दूसरी वाली साइड पर आ चुका हूँ, और अभी मैं शायद से इसे ओपन कर ऑन कर दिया मैंने, और अभी वाला फैन तो चालू हुआ नहीं यार, समझ नहीं आ रहा थोड़ा सा। बाकी ठीक है, एक बारी यहाँ पर भी एक रूम है आगे, और इस वाले रूम के अंदर पड़ी हुई है चाबी जिससे हम लोग उस गेट को खोल के उस बच्चे को बचा सकते हैं। बट पता नहीं मुझे ऐसे क्यों फील आ रही है जैसे अंकल ऊपर आ रहे हो। बाकी यहाँ पर, ओ ये देखो यहाँ पर एक चाबी है, इस चाबी को मैं लेता हूँ और ये वाला लॉक मैं ओपन कर देता हूँ, अब ये वाला गेट खुल जाएगा। बट अभी इस गेट को खोलने का फायदा नहीं, क्योंकि हमें आर पार जाने का रास्ता ऑलरेडी मिल गया। यार ये अंकल ये दीवार तोड़ के तो ऊपर नहीं आ जाएंगे ना? सच्ची में बहुत ज्यादा डर लग रहा है, जब भी स्क्रीन शेकी शेकी होती है ना इसका मतलब अंकल अपने बहुत ज्यादा आसपास हैं। बाकी अगर मैं एक बार ट्राई करूँ उस फैन को चलाने का तो क्या ये फैन चलेगा? यस ये चलेगा, फैन चल चुका है, बट अभी मुझे इससे कोई आइडिया नहीं क्या होने वाला है। बाकी ये वाला गेट भी ओपन नहीं हो रहा, मुझे इस वाले रूम की भी चाबी ढूंढनी होगी। यहाँ पर कुछ चाबियाँ टंगी, एक ये रेड कलर की चाबी टंगी है, और इसमें देखो यहाँ पर साइन बना हुआ है, ये वाली चाबी इसके गैराज की गोल्ड वाली जो कि है ही नहीं यहाँ पर एक घर की, और ये वाली चाबी है इसकी गाड़ी की। यस हमें इसकी गाड़ी की चाबी मिल गई, क्या पता इसकी गाड़ी में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट सामान हो, क्योंकि मैंने देखा था पीछे बूट ओपन नहीं हो रहा था कार का, तो भी फटाफट से चल के गाड़ी का ना मैं बूट ओपन करता हूँ चुपचाप से। मुझे आसपास अंकल भी नजर नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर ये कैसे ओपन होगा? हो गया हो गया हो गया, ओके बूट ओपन हो चुका है, और बूट से मुझे मिला एक मैग्नेट। ये मैग्नेट कहाँ यूज होने वाला है यार, अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा। क्या मैं इसे जितना भी ये मेटल है इसे अट्रैक्ट कर सकता हूँ? यस मैं इसे अट्रैक्ट कर सकता हूँ, जैसे अंकल आए उनको फेंक के मार भी सकता हूँ। नहीं फेंक के नहीं मार सकता, वो यहीं गिरेगा, क्योंकि बस अट्रैक्ट करने का काम है हमारा। क्या मैं, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझा, पहले मेरे को कोई भी चीज़ ऐसे अट्रैक्ट करनी है, फिर मैं चाहूँ तो उसे उठा सकता हूँ अपने पास लाके। नाइस अभी काफ़ी ज़्यादा एक बढ़िया चीज़ मिली है, बट ये फालतू के आइटम अट्रैक्ट करने का फ़ायदा क्या है? घर में मैं पूरी छानबीन कर चुका हूँ, यहाँ पर एक चीज़ है इसको, ओ लीवर मैंने डाउन कर दिया, बट शायद से वो आ नहीं रहा, वो आ चुका है भाई यहाँ पे। सच्ची में ये बहुत तेज आइटम है, मुझे इसके घर के अंदर नहीं, घर के अंदर नहीं जाऊँगा, घर के अंदर छुपने के लिए तो मैं फंस जाऊँगा। इससे बढ़िया ना अपने घर वाली साइड पर चलते हैं, क्योंकि ये भाग के कभी भी इधर नहीं आता है। मैं थोड़ी देर इधर बैठ जाता हूँ, मुझे ना कहीं से कुछ छत पर पहुँचना है, वो वाला जो एरिया है ना वो टूटा हुआ है, और उस रूम से मैं जंप मार के सीधा इधर वाले रूम में जा सकता हूँ जिस रूम में की पड़ा है, अपना काम हो जाएगा। मुझे ना बस कुछ भी करके छत पे जाना है। वेट पहले ना इसको यहाँ से जाने दो, पहले इसको यहाँ से जाने दो वरना ये बैंड बजा डालेगा। तो चलो अभी अंकल जो हैं अपने घर में जा चुके हैं गेट खोल के। मुझे ना इनकी बैक साइड पे एक टूटी हुई विंडो दिखी थी,
क्या पता उस टूटी हुई विंडो के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट सामान हो जिससे मुझे कुछ आगे का हिंट या क्ल्यू कुछ तो मिल जाए। बट हाँ, इस विंडो के अंदर मैं झांकूंगा कैसे मुझे ये नहीं समझ आ रहा। ओए वे, ऐसे कैसे समझ नहीं आ रहा। पहले बॉक्स उठाओ काफी सारे। नहीं यार मैं ज्यादा इसको फेंको, इसका भी कोई काम नहीं है। ये वाला डब्बा जो है इसका भी कोई काम नहीं है, सब हटा दो यहाँ से। अभी बॉक्स उठा रहा हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ क्लाइंबिंग के लिए जो कि काम आते हैं। शांत, जब ये म्यूजिक डाउन है इसका मतलब सिचुएशन में कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स गो, मैं फटाफट यहाँ से और बॉक्स उठाता हूँ और अभी जल्दी से हम लोग इसके ऊपर क्लाइंब करना स्टार्ट करते हैं। दो बॉक्स मैं लगा देते हैं यहाँ पर, मैं चढ़ गया, तीसरा बॉक्स लगाया एंड चौथा बॉक्स लगाया। प्लीज बैलेंस बैलेंस बैलेंस। ओके सब कुछ डन है। सामने की तरफ में कुछ तो एक पड़ा हुआ है की, बट ये मैं नहीं निकाल सकता हूँ। और अगर देखा जाए वहां पर भी कुछ तो पड़ा हुआ है। ये मैंने खींच लिया, ये एक टूल आया और एक ये। वेट, यहाँ पर अंदर काफी सारा सामान है, जितना भी मेटल का सामान है मैं सारा खींच सकता हूँ। बड़ी सी हुई थी, खैर मैंने दो तीन चीजें ली थी यहाँ से। एक ये आई है और एक ये चीज मेरे को मिली है, पता नहीं ये सारी कहाँ पर यूज होने वाली है। बट हाँ, तीन चार इंपॉर्टेंट आइटम मेरे को मिल चुका है। क्या मैं इसका यूज करके इस नट को ओपन कर सकता हूँ? नहीं। और मुझे दूसरा टूल मिला था ये क्रोबार, इससे भी ये नट नहीं ओपन होगा। तो फिर मैं आखिर उस वाले रूम में जाऊँगा कैसे जिसमें वो रेड वाला की पड़ा है? कहीं ना कहीं तो शायद से इसका यूज होने वाला है। मुझे याद आ गया इसका यूज। गाइस, इसके रूम में एक सिल्वर कलर का लॉक था, तो क्या ये जो लॉक पिक है मैं इससे वो वाला लॉक खोल सकता हूँ? लेट्स गो, ये ओपन हो चुका है, इसको बंद करो। सेफ सेफ सेफ, मैं बिल्कुल सेफ। यहाँ पर कोई छुपने की जगह है? मैं भी रूम के अंदर आ चुका हूँ, रूम के अंदर है ये नट। अगर उससे ओपन नहीं हुआ तो शायद से नट अपना इससे ओपन जरूर हो जाएगा, तो मैं फटाफट से इसे उठा लेता हूँ। अंकल इस टाइम पे बाहर ही है, बट यार मैं अगर यहाँ से बाहर जाऊँगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। क्या मैं कोशिश करूँ जाने की? हेलो अंकल, आप हो क्या आसपास? आवाज़ तो आ रही है उनकी लेफ्ट साइड से, बट ठीक है मैं उनको चकमा देके घूमने की कोशिश करता हूँ। रुक जाओ, मुझे ये मिल चुका है, मेरे को ट्राई करना है इससे ये ओपन करने का। प्लीज हो जाए यार। ओ लेट्स गो, ये ओपन हो चुका है, अभी मैं यहाँ से ऊपर चढ़ सकता हूँ। नाइस, ये हम लोग आ चुके हैं छत पे। बट हाँ, मुझे अभी तक ये नहीं समझ आया कि आखिर उस क्रोबार का कहाँ यूज़ था। खैर अभी शायद से मैं उस वाले रूम में आ चुका हूँ जहाँ पर वो की रखा था। नीचे गद्दा है क्या? मैं कूद जाऊँ? प्लीज सेफ, एकदम प्यारी सेफ लैंडिंग हुई है। घटिया से गद्दा नहीं था, कारपेट था वो। ठीक है अभी मुझे की मिल चुका है। सब खा के मैं यहाँ से साइड फेंक देता हूँ। ये वाला गेट ओपन हो चुका है और अभी मैं यहाँ से इजीली एस्केप कर सकता हूँ। ये मैंने एक सेकेंड, ये वापस कैसे हो गया? इसको दोबारा खोलना पड़ेगा। शायद मैं पकड़ा गया था इसलिए वो वापस लॉक कर दिया होगा, विंडो ठीक कर दी उसने। अभी गाइस जल्दी से मैं यहाँ से नीचे उतरता हूँ, मुझे इस वाले रूम के अंदर ही जाना है। मेरे पास एक ये क्रोबार है, ये शीशा तोड़ने के लिए काम आ सकता है। लेट्स गो, अभी बस मुझे अंदर जाना है और यहाँ पे जो चाबी मेरे को मिली थी वो लगानी है और ये वाला गेट ओपन करना है। मैं किसी बहुत डेंजरस बेसमेंट में जा रहा हूँ शायद, और ये बेसमेंट काफी ज्यादा हॉरर लग रही है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अंदर चल के देखते हैं कि आखिरकार यहाँ पर कैसा सीन है। भाई इसने अपनी बेसमेंट में पता नहीं कुछ तो बड़ी डेंजरस सी मशीन लगा रखी है जो कि काफी गंदी आवाज कर रही है। मेरे पास जो जो सामान था शायद से वो सारा जा चुका है। बाकी यहाँ पर एक ये ग्रास काटने वाली मशीन है, यहाँ पर एक बास्केटबॉल है। बास्केटबॉल में उसके फेंक के मार सकता हूँ बाई चांस अगर वो मेरे पास आएगा तो। बास्केटबॉल मैं अपने साथ रख लेता हूँ, ये अच्छी चीज़ है। बट मुझे जाना कहाँ है मुझे ये नहीं समझ आ रहा। ना कुछ राइट में रास्ता दिख रहा है ना कुछ लेफ्ट में। और बोल हटा वे, इतनी ज्यादा कुछ शक्ल ले रही। यहाँ पर कुछ, ओए ये एक दरवाजा था भाई। ये देखो वॉशिंग मशीन लग रही है बट ये एक सीक्रेट डोर है। ठीक है, यहाँ पर एक बेड लगा हुआ है किसी छोटे बच्चे के सोने का, जिसपे पता नहीं दो एग रखे हुए हैं क्या? नहीं पता नहीं क्या है। खैर ठीक है, अभी पता नहीं मैं कहाँ आ चुका हूँ। ये बाहर का नजारा तो नहीं लग रहा मेरे को, फेक साल भाई। ये एक फेक स्क्रीन लगा रखी है। वेट, ये भाई अंकल पता नहीं क्या ही करता बच्चों के साथ। ठीक है, तो भी कोई तो सीक्रेट जगह थी जो कि मुझे मिल चुकी है, यहाँ से मैं बाहर निकल सकता हूँ। फटाफट यहाँ से आगे चलते हैं। इस तरफ में कुछ तो लाइट जल रही है, यहाँ पर एक बॉक्स है। इस बॉक्स को अगर मैं बंद कर दूंगा तो पूरे एरिया की लाइट चली जाएगी। ये देखो यहाँ पर ये जो लाइट है ये बंद करती, ये लाइट भी बंद हो जा रही है। ये देखो भाई ये गलत है, इसको जला के रखो, अंधेरा मुझे पसंद नहीं है यहाँ पर ज़्यादा। खैर यहाँ पर एक गेट है जो कि शायद से ओपन हो सकता है क्या? लेट्स गो, ये अंदर कुछ जेल जैसा बना हुआ है मेरे को लग रहा है। सो चुपचाप आगे बढ़ना चाहिए। ये काफ़ी सारी जगहें हैं जिनके अंदर मैं छुप सकता हूँ क्या? यस, मैं इनके अंदर छुप सकता हूँ ताकि अंकल अगर कल को मेरा पीछा कर रहे हो और मुझे कोई जगह ना मिले तो ये जगह काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो सकती है हमारे लिए। इस तरफ में एक फ्रिज है बट फ्रिज है पूरा खाली, तो बंद रहे तो ये ज़्यादा बेटर है
क्योंकि ये क्या है ये सामने, इधर तेरी भैंस की टांग, पुतला लगा रखा है, इधर निकल यहाँ से, माँ की थी। लेकिन नहीं, मुझे खाली पीली का शोर नहीं करना है यहाँ। बट हाँ, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वाली वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, मुझे तो बहुत ज्यादा बढ़िया लगी ये वाली गेम। और अगर आपको भी अच्छी लगी तो फटाफट से इस वीडियो को जाके लाइक करना, और इस वीडियो पर एम करते हैं 5 लाख लाइक के लिए। तो लाइक गोल कंप्लीट कर दो और कॉमेंट्स में बताओ कि क्या हमें इसका पार्ट 2 डालना चाहिए। वैसे तो डालूंगा भाई, मैं तो डालने वाला हूँ, बट आप लोग भी अपना सजेशन कमेंट्स में जरूर करना, मैं सारे कमेंट्स रीड करने की कोशिश करूंगा। और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। बाकी यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।